नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नई गढ़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बहुत ही प्रताप में बीते दिवस छेड़खाड़ की घटनाओं के चलते 5 में से 4 आरोपियों को पकड़ने में पाई सफलता। पुलिस एक की तलाश में जगह जगह दे रही है तबीश। बहुत ही प्रताप में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपी नई गढ़ी पुलिस ने किए गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। हम आपको बता दें, बहुत ही प्रताप लड़कियां गई थी पिकनिक मनाने, वहीं पर ये घटना को अंजाम दिया गया। बीते दिवस की बात है, हम आपको बता दें, नई गढ़ी पुलिस ने 3 युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एक की तलाश में पुलिस दे रही है जगह जगह तबिश। पुलिस को उम्मीद है हम 5वें आरोपी को भी शीघ्र पकड़ लेंगे। पिकनिक मनाने गई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले 5 में से 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर एडिशनल SP मऊगंज विवेक लाल व थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर भी पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर ड्रोन कैमरा भी बुलाया गया, ड्रोन की मदद से भी इलाके की निगरानी की, इलाके को परखा दोनों पुलिस अधिकारियों ने। कल 3 युवती और 1 युवक बहुत ही प्रताप पिकनिक मनाने आए थे। लड़कियों को अकेला देखकर इलाके के 5 लड़के पहुंच गए और उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया। लड़का एक था, उसके मना करने के बावजूद लड़के नहीं माने, जिसकी शिकायत लड़कियों और लड़के ने पुलिस को की। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, मौके पर ही पुलिस की टीम पहुंच गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। नई गढ़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5वें आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। हम आपको बता दें, नई गढ़ी इलाके में अभी कुछ दिन पूर्व भी इसी तरीके की एक घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद जैसे ही यह बात वायरल हुई, पुलिस ने सारे आरोपियों को पकड़ लिया था और उनके मकान भी तोड़ डाले थे। हालांकि इसमें बेहतर बात रही, जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 आरोपियों को पकड़ लिया। कोई बड़ी घटना नहीं घट पाई। छेड़छाड़ की वारदातें इस समय कुछ ज्यादा ही जिले में दिखाई दे रही हैं। जहां देखो वहीं इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। माना जा सकता है एक तरफ जिले में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने का लगातार दिख रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार कार्रवाई करके इन बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने की दिशा में प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस एक के बाद गिरफ्तारियां भी करके रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधी इस तरीके की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। हमने पूरे मामले को लेकर मऊगंज के एडिशनल SP विवेक लाल से बात की, जो ड्रोन के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, इलाके का जायजा लिया। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना। सर, ये नई गढ़ी में छेड़छाड़ की घटना हुई है, क्या है पूरी घटना? कुछ बच्चे बहुत ही प्रभात पिकनिक मनाने आए थे, वही पास के गांव में 5 लड़कों के द्वारा अवैध पैसे की मांग की, छेड़खानी की हरकत की गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करके अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कितने आरोपी पकड़े गए सर? अभी 4 हो गए, एक की तलाश जारी, 3 गई थी। क्या क्या धाराएं लगी सर? उनमें लगी 327, 354 की दृष्टि से, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।